take your place on. They gon' bomb on. They gon' take your place on. Hey guys, what's up? Welcome back to new another video. Guys, कैसे हैं आप लोग? खूब सब बढ़िया होगा। तो यार मेरा एक हफ्ते से वीडियो नहीं आ रहा है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहा था। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग वीडियो के एडिटिंग से के बारे में बताऊंगा, क्योंकि उस टाइप की वीडियो अभी इंस्टाग्राम रील्स पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। सबसे पहले आपने वो वीडियो तो देख ही लिया होगा स्टार्टिंग में। तो उस टाइप की वीडियो एडिटिंग करने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले अपने कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। बट गाइस, उसको ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर अपने एक VPN एप्लीकेशन को भी ओपन करके इसको यहाँ से आप लोगों को कनेक्ट कर देना होगा, बिकॉज जो हमारा कैपकट एप्लीकेशन है वो इंडिया में बैन हो रखा है। तो चलिए मैं अपने VPN को यहाँ से ओपन करता हूँ एंड इसको यहाँ पर देख सकते हैं ऑन भी कर दिया है। अब आप लोगों को अपने कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से फटाफट से अपने कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। तो गाइज़, आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर अपना कैपकट एप्लीकेशन ओपन कर दिया है। एंड ओपन होने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर नीचे ऊपर की साइड प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना होगा, न्यू प्रोजेक्ट पर। यानी यहाँ से आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले तो गाइज़, आप लोगों को अपना यहाँ से एक इमेज ऐड कर लेना होगा। तो गाइज़, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ये इमेज भी ऐड कर दिया, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर इमेज ऐड कर दिया है। अब आप लोगों को करना क्या होगा, अब आपको इतना काम होने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर गाइज जो ये एंडिंग वाला है ना, आपको यहाँ पर एंडिंग पर आपको इस पर क्लिक करके इसको यहाँ से आप लोगों को डिलीट कर देना होगा, ठीक है। इसको डिलीट करने के बाद अब आप लोगों को अपने फोटो की सबसे पहले तो यहाँ से आप लोगों को अपना ऊपर की साइड आपको अपना पैनल ओपन करना है। एंड यहाँ से आपको जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ना, आपको इस आइकन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देनी होगी, ठीक है। तो जैसा गाइज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, आपको ऐसा ही कर देना होगा, ठीक है। आप लोगों को अपनी ऑडियो यहाँ पर अपने रिकॉर्डर का आपको ओपन करना होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं मैंने अपने यहाँ पर रिकॉर्डर को ऑन कर दिया है, ठीक है। देख लेता हूँ मैं एक बार ओपन हुआ है या नहीं, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारा रिकॉर्डर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आपको इसको यहाँ से बंद कर देना होगा, हमारी रिकॉर्डिंग यहाँ पर सेव हो जाएगी। अब आपको इतना काम करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना होगा। ओके पर क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ से बैक आना होगा, ठीक है। हमारे यहाँ पर अब आप लोगों को बैक आने के बाद अब आपको फिर से न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना होगा। एंड जो हमने अभी रिकॉर्डिंग की थी ना वीडियो, आपको उसको अपनी वीडियो को यहाँ पर ले लेना होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारी रिकॉर्डिंग ये रही, ठीक है। आपको यहाँ पर अब ऐड पर क्लिक कर देना होगा। ऐड पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं हमारी वीडियो यहाँ पर आ जाएगी। वीडियो आने के बाद अब आप लोगों को अपनी वीडियो की लेयर पर क्लिक करना होगा। एंड आप लोगों को यहाँ पर नीचे साइड स्पीड आइकन पर जाना होगा। एंड यहां से आप लोगों को इसकी स्पीड को ना यहां से थोड़ा आपको फास्ट कर देना होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारी वीडियो यहां पर, आप लोगों को इस वीडियो को 11 सेकंड तक बना देना होगा, इससे ज़्यादा नहीं बनाना आपको, ठीक है। आपको इस वीडियो, क्योंकि जो हमारी ऑडियो है ना वो भी 11 सेकंड की है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आपको बनाना होगा। आपको अपनी वीडियो को 11 सेकंड तक ही बनाना होगा। तो देख सकते हैं हमारी वीडियो यहां पर 11 सेकंड तक बन चुकी है। अब आपको जो एंडिंग पार्ट है ना, आपको इस पर क्लिक करके इसको यहां से आप लोगों को कर देना होगा डिलीट, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारा डिलीट हो चुका है, ठीक है। इतना काम होने के बाद अब आप लोगों को यहाँ से बैक आना होगा। एंड बैक आने के बाद अब यहाँ से आपको ऐड ऑडियो वाले आइकन पर क्लिक करना होगा, एक्सट्रैक्ट डेट पर क्लिक करना होगा। एंड यहाँ से जो वीडियो है, इस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आप लोगों को इंपोर्ट साउंड ओनली पर क्लिक कर देना होगा। तो देखते हैं हमारा ऑडियो यहाँ पर आ जाएगा एंड हमारा वीडियो भी यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है, ठीक है। अब आप लोगों को करना क्या होगा गाइस, अगर आप लोग ये वीडियो अपनी गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो वीडियो को सेव करने के लिए यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना होगा। एंड यहाँ से आप लोगों को एक्सपोर्ट पर क्लिक करना होगा। तो जैसे आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे, ये वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को कहीं भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलता हूं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।